दोस्तों, मैं हूं सिद्धा काले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। मौजूद है जो कि निवेदन देने के लिए आए हैं और यहाँ पर तहसीलदार को निवेदन देकर एहतजाज कर रहे हैं कि ये NRC को वापस लिया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और जुम्मा की नमाज़ पढ़ के, इसमें सभी जात के लोग हैं, कोई एक जात के नहीं है, सभी ने मुखालिफ किए हैं और उससे पूछते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। NRC के बारे में खिलाफ है क्या? खिलाफ है। यहाँ पर माजी नगर अध्यक्ष किनवट के माजी नगर अध्यक्ष साजिद खान भी है यहाँ पर, इन्होंने भी यहाँ पर निवेदन दिया है। इनसे पूछते हैं कि NRC के बारे में बोलिए आप। NRC के बारे में हम लोगों ने तय किया था कि खामोशी से हमारा रैली निकलेंगी। वो रैली हमारे जामा मस्जिद से निकलकर खामोशी से आकर एसडीएम ऑफिस में आए और हम लोगों ने निवेदन दिया। हमारी जो मांग थी NRC के विरोध में, हम लोगों ने हमारा मोर्चे के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश की है, पहुँचाए। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 5 उलमा लोग जाकर मिलकर SDM साहब को अपना निवेदन दिए और शांति से हमारा मोर्चा खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये हमारा मोर्चा यहीं खत्म नहीं, हमारी लड़ाई यहीं नहीं खत्म हो गई। इंशाल्लाह जब तक NRC में जो रूल्स लगाए गए हैं उसको शिथिल नहीं करेंगे, जब तक हमारे ऐसे मोर्चे निकलेंगे हम लोग हमेशा निवेदन देंगे। और इस माध्यम से सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग जब भी आवाज देंगे आप लोग सब हाजिर हो, आप सब लोग मिलकर शांति से हम जो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा मुसलमान खौफ ज्यादा है और डर रहे हैं, क्या इसमें डरने की और खौफ ज्यादा करने की ऐसा कुछ है क्या इसमें संविधान? देखिए, इसका कुछ लोगों को मिसगाइड हो गया है। अच्छा। इसकी पूरी मालूमात नहीं रहने की वजह से लोगों में दिल में खौफ पैदा हो चुका है। अभी तक कुछ गाइडलाइंस सही अभी तक आए नहीं, जब भी आएंगे उस मुताबिक हम लोगों ने आगे प्रोसीजर करेंगे। कानून अभी बचा हुआ है। अच्छा। जब सब कुछ सरकार नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है, उसमें हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे साजिद खान माजी नगर अध्यक्ष, इन्होंने भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, संविधान पर भरोसा है और संविधान हमारे साथ ही इंसाफ करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, जो कि NRC के ख़िलाफ़ में है और NRC के ख़िलाफ़ में लड़ते रहेंगे।